चंद्रयान 3 और G20 की सफलता के बाद में अब बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बीजेपी का कहना यह है कि इस सत्र के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों और G20 को सफल बनाने में जुटे हुए अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए। वहीं पर बुधवार को भाजपा विधायक दल की हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है बीजेपी विधायक अजय महावर और ओपी शर्मा से, सुनिए क्या कह रहे हैं। द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, इसको लेकर विधायक दल की एक बैठक भी आज हुई है। क्या कुछ बैठक में रहा? हमारे साथ बीजेपी के 2 विधायक अजय महावर और ओपी शर्मा जी मौजूद हैं। अजय जी, क्या आज विधायक दल की बैठक जो हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया? हमने कहा कि दिल्ली की विधानसभा में छोटे छोटे अनेक विषयों के लिए, जो दिल्ली के विषय नहीं होते थे, अन्य प्रांतों के होते थे, उसके लिए भी विधानसभा सत्र इन्होंने अनेक बार बुलाई है। तो ये तो देश की और दिल्ली के गौरव की बात है, तो क्यों नहीं चंद्रयान की सफलता के लिए दिल्ली के विशेष सत्र में हम अभिवादन करें, हमारे देश के वैज्ञानिकों का हम अभिवादन करें, हिंदुस्तानियों का, प्रधानमंत्री जी का क्यों नहीं अभिवादन करना चाहिए। दूसरा, G20 जो एक सफल समिट हुआ है और दिल्ली में ही हुआ है, पूरे भारत का गौरव बढ़ा है, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी को ये जाना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा पारित करे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो जी सबमिट किया है वो सफलतापूर्वक एक नया आयाम जुड़ा है पूरी दुनिया में, और उसके लिए हमें धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहिए। ओपी शर्मा जी, ये बताइए तो इसे लेकर क्या आप लोगों ने CM से मुलाकात की है, बात की है, किस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, क्या कोई पत्र लिखा गया है? नहीं, अभी हमने अपने विधायक दल की बैठक करके ये मुद्दा हमने तय किया है। अब हम जो इसका प्रोसेस है उनको लेटर लिखना, और आपके माध्यम से हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, एक अभूतपूर्व जो देश में काम हुआ है, सभी विधानसभाओं ने इसके विषय में चर्चा भी की है और उनका धन्यवाद भी किया है, लेकिन किन्हीं कारणों से दिल्ली विधानसभा में इसको नोटिस नहीं लिया गया है। इसलिए अब हम ये कह रहे हैं कि आप कृपया करके चंद्रयान 3 और जो सूर्ययान जो जा रहा है उसके साथ साथ अब जो G20 का जो हमारे देश की जो विरासत है, हमारे देश का जो थॉट है, वसुदेव कुटुंबकम से लेके जो उसको पूरी दुनिया सराह रही है, इन सब चीजों के ऊपर 2-3 दिन का सत्र दिल्ली सरकार को बुलाना चाहिए। लेकिन अजय जी, एक और सवाल ये भी है कि G20 की सफलता में तो दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि उनका भी ये दावा था कि दिल्ली को सवारने में, सजाने में दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं, जो है वो हम मानेंगे ना, टोटल 5,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है दिल्ली को सजाने संवारने में और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में G20 के लिए। उस 5,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि में 45 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने भी खर्च किए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन 5,000 करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार ने खर्च किया है, तो दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि वो सदन में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करे। निश्चित तौर पर पहले MCD ने और अब BJP के विधायकों ने ये मांग की है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए। देखने वाली बात यही होगी कि इस मुद्दे पर आखिर क्या कोई फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणय शर्मा, टोटल TV, दिल्ली।